अस्सलाम वालेकुम आज हम लिपिड्स करने वाले हैं तो ये हमारी लिपिड्स की फ़र्स्ट वीडियो है लिपिड केमिस्ट्री की आज हम देखेंगे बेसिक बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे ये हार्ट पर बुक है चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन अच्छा ओके okay. सो so, इस पैराग्राफ में क्या लिखा है बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस क्या है लिपिड्स की तो लिपिड्स हाइट्रोजिनस ग्रुप और स्ट्रक्चर हमें पता है लिपिड्स वाटर सोलबल नहीं है ये बात हमें पता है ठीक है इसमें कुछ इतना खास नहीं लिखा हुआ सोलबल okay, uh, sol, sol, है नॉन पोलर सोलवेंट्स में ओके ठीक है इधर क्लोरोफॉर्म में सॉरी नॉन पोलर सोलवेंट्स में सोलबल हैं इधर क्लोरोफॉर्म में सोलबल हैं ठीक है और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं इनसे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है ओके फैट सोलुबल वाइटमस लिपोफिलिक माइक्रोन्यूट्रंसर जो हैं वो भी फैट्स uh, में आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है उनमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स हैं ठीक है ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स हम ये पढ़ेंगे फैट्स हमारी बॉडी के लिए अगर एक रिक्वायर्ड uh, क्वांटिटी में हों तो अच्छे होते हैं बिकॉज जैसे फॉस्फोलिपिड्स हैं तो लिपिड बाई है है सेलफमडिन बना रही है सब इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर हम uh, ज़्यादा बात करें ओ की तरफ जाएँ या एक्सेस में हों तो ऑफकोर्स ये कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे ले आ, लेकिन हमारी डाइट में जो सबसे बेस्ट होते हैं वो मेगा थ्री और मेगा सिक्स फैटी एसिड्स हैं एंड देयर इज़ नो रॉकेट साइंस इन दिस पैराग्राफ एट ऑल तो एड्स में भी हम लोग पढ़ सुनते आए हैं बचपन से ही और मेगा थ्री और सिक्स फर्टी एसिड्स और डी एच ए डी एच ए की एक ऐड भी आती है जिसमें वो ये भी बात करते हैं कि ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए डोकोसा एसिड तो इसकी हम आगे बात भी करेंगे चलें अब हम आते हैं इसमें कुछ खास नहीं था बस ये बता रहे हैं कि लिपिड एक्सेस में हो जाएंगे तो देखने लें बी सी हो सकती है डायबिटीज़ में लेटेस्ट कोर्स सकते हैं वो आपके आर्टरीज़ में अगर वो जमा हो जाएंगे तो एथरोक्लो एथरोक्लोरोस कोर्स कर सकते हैं और नर्व के ये जो माइलिनेशन होती है वो भी यही प्रोवाइड कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं बॉडी में में स्टोर होते हैं फाइन लिपिड दर कम क्लासीफाइड है सिम्पल और कॉम्प्लेक्स या हम लिपिड्स की क्लासीफिकेशन देखने लगे हैं लिपिड सिंपल लिपिड्स हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड हो सकते हैं ठीक है और प्रिकर्सर एंड एंडाइव लिपिड्स सिंपल लिपिड्स क्या हैं सिंपल लिपिड्स में फैट्स और वैक्सीज आ जाती हैं यानी कि फैट्स में हम ये बात करेंगे एस्टर एंड फैटी एसिड एस्टर बना हुआ है किसी ग्लिस्टरोल ठीक है और ऑयल और फैट इन द लिक्विड स्टेट ठीक है और सिंपल लिपिड्स में मतलब फैट और वैक्सीज आएंगे आपके पास वैक्सीज जो हैं वो एस्टर तो फैटी एसिड होते, होते हैं विद हायर मोलिकुलर वेट मोनोहाइड्रिकल्कोहल्स यानी कि ग्लिस्ट्रोल की बात नहीं हो रही यहाँ पे कोई भी ग्लिस्टरोल में तो थ्री कार्बन अल्कोहल है ना तो हाई मोलिकुलर वेल और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात हो रही है जिसमें ऑइज ग्रुप ज़्यादा हो तो वो वैक्सीज में आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड क्या है कॉम्प्लेक्स लिपिड में यहाँ तो आपने कहा था कि फैटी एसिड है ग्लिसल है ठीक है दो चीज़ें हो गई कॉम्प्लेक्स लिपिड में अगर हम बात करें तो फोस्फोलिपिड आता है ठीक है फिर स्विंगो फोस्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड ये इस तरह आ जाते हैं फोस्फोलिपिड की अगर आप देखो ना तो इसमें आपके पास ग्लिसरोल भी आ जाता है ठीक है ठीक है ग्लिसरॉल आ जाता है मैं अगर ये ग्लिसरॉल आ जाता है आपके पास एक बैकबोन आपके पास ग्लिसरोल की होगी उसके साथ वन टू थ्री इधर आपके पास अल्काइल ग्रुप आर ग्रुप फिर सेकेंड आर ग्रुप ठीक है इस तरह से फोस्फेट और उसके बाद आपके पास कोई भी नाइट्रोजनस बेस होती है ठीक है तो ये है हमारे पास फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर फिर स्विंगो फोस्फोलिपिड जो है ये भी क्या होते हैं इसमें भी ये होता है कि फॉस्फोलिपिड में एक ये गिलस्ट्रो फॉसफोलिपिड आते हैं सेकेंडली आते हैं स्विंगो फोसफोलिपडिड स्विंगो फोस्फोलिपिड में जो अल्कोहल है वो ग्लिस्ट्रोल नहीं होती बल्कि स्विंगोसिन होती है और उसमें भी यही होता है स्विंगोसिन आ गई ठीक है स्विंगोसिन अल्कोहल आ गई बाकी आगे वही फैटी एसिड जो है वो उसके साथ कर रहे होंगे ठीक है अल्कोहलर ये आर ग्रुप फैटी एसिड का मैंने बताया था पहले फिर और होगा और कोई भी नाइट्रोजनस बेस होगी ठीक है नाइट्रोजनस बेस कोलिन इथेनोलमिन सिर सीरिन वगैरह वही मतलब सिंपल जो हमने एफ एस में पढ़ा ना एटलीस्ट वो वाला रिकॉल करें ताकि हम आगे ईजीली मूव कर सकें चलें तो ये तो हो गए फोस्फोलिपिड वो फॉसफोलिपिड जो हमने यूं पढ़े थे जो लिपिड बाई लेर मैमब्रेन ले में थे जिसमें हाँ, एक पोलर एंड और हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड था हाइड्रोफिलिक एंड आउटर होता था हाइड्रोफिलोफोबिकर होता था फ्लूट मोजेक मॉडल याद कर लें अच्छा ग्लाइकोलिपिड्स अब ग्लाइकोलिपिड्स के हैं ग्लाइकोसिंग्स इसमें देखो ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट यानी कि ये लिपिड होंगे लेकिन इनमें कार्बोहाइड्रेट का पार्ट भी आ जाएगा तो लिपिड्स कंटेनिंग अ फैटी एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट है फैटी एसिड अल्कोहल और कार्बोहाइड्रेट ठीक है तो इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट हो क्या आ गई कार्बोहाइड्रेट आ गई फैट्स में हमने पढ़े थे सिर्फ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल फोस्फोलिपिड में हमने फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ कोई भी नाइट्रोजनस बेस और इस तरह की कोई भी चीज देखी ठीक है जैसे ग्लिस्ट्रोल फोसफोलिपेडो फोसोलिपेड तो कॉम्प्लेक्स है ग्लाइकोलिपिड में कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा अदर कॉम्प्लेक्स लिपि अच्छे सल्फोलिपिड्स हो गए माइनोलिपिड लिपोप्रोटीन वो इसमें आ जाएंगे जितने भी दूसरे कॉम्प्लेक्स हैं थर्ड कैटेगरी आती है, है फिकर्सर डिराइव लिपिट्स की तो इसके ये जो इनके डिराइव करके बनेंगे ना जैसे जो या तो जो इन्हें बना रहे थे या इनको तोड़ के देने इससे जो मिलेंगे जैसे अगर आप सिर्फ ग्लिस्टरोल की बात करते हो तो वो इनको बनाने में आ रहा था स्टेरॉइड अदर अल्कोहल्स तो वो थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं अच्छा न्यूट्रल लिपिड्स क्या होते हैं न्यूट्रल लिपिड्स जो वो ट्राईसाइल ग्लिस्टरोल क्योंकि उसमें हम क्या देखते हैं कि जो अल्कोहल uh, है सी ओ एच ठीक है ये एच OH ग्रुप्स जो होते हैं ग्लेस्ट्रोल के ये क्या करते हैं ये वाले जो एच OH ग्रुप होते हैं ये कोई भी सी डबल ओ एच इधर हमारे पास था ठीक है कोई भी एसिड तो ये जब इनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं वाटर रिलीज करके एस्टर बॉन्ड बनाते हैं तो हमारे पास जो uh, पोलर पार्ट था वो रिमूव हो गया ना तो बाकी जो पीछे बच जाता है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट रह जाता है इसलिए जो है ट्राइस एल लिस्टर जो है स्पेसिफिकली जिसमें तीनों पार्ट्स पे ठीक है आपके पास एस्ट्राबोन बच जाते हैं तीन फैटी एसिड्स जो हैं वो मिल बनाएंगे तो तब हम इसे कहते हैं कि न्यूट्रल लिपिड्स है ठीक है तो अनचार्ज होते हैं ये बेसिकली अब फैटी एसिड्स आर एलिफेटिक कार्बोक्सलिक एसिड्स तो नो डाउट हमें पता है कि सी डबल एच ग्रुप वाला हमने जितने भी कार्बोक्सलिक एसिड्स भरे हुए हैं ठीक है सी डबल एच ग्रुप आ रहा होता है उनके साथ और इधर आर लगा होता है तो ये एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है ओके फैटी फैटीटअर इन नेचुरल फैट्स कंटेन एन इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा कि जो नेचुरल फैट्स में जो फैटी एसिड्स होते हैं वो बेसिकली इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होते हैं इनमें और फैटी एसिड नेम्ड आफ्टर कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन ठीक है ये इनके नॉमल क्लीसिड पर बात आ जाती है अब ये देखें फैटी एसिड्स क्या होते हैं देखो सी डबल एच ये जब जिग जेग बनाते हैं ना तो ये जितने भी आपके पास होते हैं ये कॉर्नर uh, ये एक कार्बन होता है और जब ये कुछ भी ऐसा शो नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये saturated है इज़ नो डबल तो जब डबल बॉन्ड नहीं होता तो डेफिनेट सी बात होती है अगर ये एक कार्बन और ये कार्बन है तो और ये कार्बन है तो कार्बन कितने बोंड बनाता है चार दो वो ये बना चुका है तो इनके साथ uh, मतलब दो ही हाइड्रोजन होंगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती तो ये शॉर्ट फॉर्म है जिसमें आप फैटी एसिड्स ड्रॉ कर सकते हो अब ये कौन सा फैटी एसिड होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेल्वीन फोर्टीन फिफ्टी सिक्स तो सोलह कार्बन वाला फैटी एसिड होगा जिसका नाम है पॉलमिटिक एसिड फिर आप इधर आओ तो ये कितने कार्बन वाला है वन टू थ्री फोर ठीक है एटीन तो ये कितने कार्बन वाला है अठारह कार्बन वाला है तो क्या ये सैचुरेटेड है यहाँ पे जरा गौर कीजिए ये सेचुरेटेड नहीं है तो ये क्या होगा मोनो अन सेचुरेटेड मोनो यानी एक ठीक है अनसेचुरेटेड यानी कि एक जगह पे डबल बॉन्ड है तो ये है आपका ओलिक कार्बन और एक डबल ये मैं आपको बॉन्डिक्लेचर में भी बताती डबल बॉन्ड तो अब ये कितने कार्बन है वन रहें रहें। तो एटीन कार्बन है ठीक है और इसमें कितने डबल बॉन्ड है एक दो ठीक है ऑफ डबल बॉन्ड लिखते हैं ये हम अभी पढ़ते हैं तो ये आपने देखा सेटेड फैटी uh, एसिड्स होते हैं मोनो अनुरेट फैटी फैटी एसिड नेक्स्ट एसिड्स को हम नेम कैसे देते हैं तो अगर तो हमारे पास ये जो वही आप पहले पढ़ते आए हैं मतलब uh, वही यहाँ पे है कि अगर तो वो सेचुरेटेड है तो ओ आई सी नेम के एंड पे आता है ठीक है सच ए एन आई ओ सी ठीक है जैसे अगर वो ऑक्टा एसिड है ऑक्टा यानी आठ तो ऑक्टा नोइ सी एट है तो फिर ई एन ओ आई सी लगाते हैं ठीक है तो फिर ओक्टा मतलब आठ डिकी नोइक एसिड ठीक है ओक्टा डेका ओक्टा आठ डेका दस दस और आठ अठारह ओक्टा डिकी नोइ एसिड ई नोइक बता रहा है कि ये अनसेचुरेटिड है तो कितना हो गया इसका मतलब ये अठारह कार्बन वाला है और इसमें अनसेचुरटिड है तो ये किसकी बात हो रही है ओलिक एसिड की ठीक हो गया चलें अब हमारे पास जो नॉमन है ना वो बहुत सिंपल है इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो ठीक है अब सी डबल ओ एच ये तो ज़ाहिर फंक्शनल ग्रुप है चलेगा आगे जितने मर्जी कार्बन लगाते थे और हाइड्रोजन की मैंने आपको बात बता दिया जब सेचूरेटेड uh, की बात कर दे डबल बोन शो ना करें तो डेफिनेटली वो आपने चार बोन पूरे करने होते हैं तो ये हमारे पास जो कार्बन होता है ये बंद होता है उसके बाद ये टू फिर ये थ्री फिर ये फोर ठीक है एंड सो ऑन ठीक है एक ये हो गया दूसरा इसके बाद हमारे पास अल्फ़ा बीटा गैमा ठीक है इस तरह से भी आप जो है वो नंबरिंग देते हैं फिर आ, जो एक और मेथड है इसको नंबर देने का जैसे लेट्स लेट्सपोज सी फाइव जो है ये लास्ट कार्बन है ठीक है चलो मैं आप पूरा बना लेती हूँ सी एच थ्री तो ये सी एच थ्री होगा तीन और एक चार एच टू एच टू एच टू ठीक है ठीक है ये हो गया आपके पास एक आ, मतलब कोई भी फैटी एसिड तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो ना मिथाइल ग्रुप से मिथाइल ग्रुप से आप स्टार्ट करते हो तो ये क्या है हम इसे कहते हैं ओमेगा वन ठीक है तो अब अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो ना यानी उल्टी काउंटिंग आपने सी डबल एच से नहीं स्टार्ट किया यहाँ से करते हैं, आप कहते हो वन टू थ्री फोर थर्ड नंबर वाला कार्बन वगैरह वगैरह जो भी अल्फ़ाबीटा हेमा से भी आपने नहीं किया आपने बात स्टार्ट की आपने लास्ट है मिसाल के तौर पर अगर ट्वेंटी कार्बन वाला है और वो एंड से आप आ, मतलब एटीन नंबर पे जा कर डबल है तो आप लास्ट से स्टार्ट करके बताते हो तो ये है वो ओमेगा ठीक है अब आप यहाँ से बात करते हो ये ओमेगा वन होगा ये ओमेगा टू होगा ये ओमेगा थ्री होगा ठीक है तो ये इस तरह से काउंटिंग आती है इसमें ओमेगा वाली तो जो आपने ओमेगा थ्री और ओमेगा सिक्स फैटी एसिड्स का सुने कि एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं एड्स में आ रहा होता है ये हमारा ऑयल यूज़ करें इसमें ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स है तो बेसिकली वो ये बात कर रहे होते हैं चलें अब हम जरा लाइंस को रीड कर लेते हैं अरे हाँ एक और चीज़ डेल्टा को भी देख लीजिए अगर जैसे एसिड है तो उसमें एसिड बिकॉज ये हम पहले भी पढ़ा हुआ है हमने तो एसिड जो है इसमें नाइन और टेन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है तो अब आप इसको जब लिखोगे ना तो आप लिखोगे डेल्टा नाइन ठीक है एक ये भी पोजीशन होती है बताने के लिए Okay. आप uh, किस आंसर कर वेरियस कन्वेंशन यूज़ डेल्टा फॉर इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड तो पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड बनाने के बताने के लिए आप डेल्टा यूज़ करते हो ये तो हो गया आपके पास कि आपने नाम कैसे लिखना है वही सिंपल ऑक्टा नोइक एसिड यानी कि ऑक्टा आठ और ओ आई से लगा दोगे सेचूरेटेड है अनसेचुरेटेड है तो ई एन आई ओ एन ओ आई से लगा दोगे अनसेचुरेटेड है फिर उसके बाद कार्बन आइटम जो है नंबर कार्बोक्सिल एंड जो है वो बंद होगा उसके बाद वन टू थ्री फोर आप नंबर देते जाओ और अल्फा बीटा गैमास से भी आपने दे दिया ठीक है एंड टर्मिनल मिथाइल कार्बन जो है वो ओमेगा होता है जिसका मैंने आपको बताया लास्ट वाला ओमेगा होता है वो ओमेगा वन होता है फिर आप उसको फिर उस तरह से नंबर देते जाओ अब इसके अलावा कन्वेंशन डेल्टा यूज करने के जो डबल बॉन्ड लोकेट करने के लिए यूज होता है डबल बॉन्ड बिटवीन नाइन एंड टेन ऑफ द फैटी एसिड तो नाइन और टेन में डबल बॉन्ड है तो आपने स्टार्ट कहाँ से करना है जो करीब है तो ओमेगा नाइन ना आप लिखोगे इंडिकेट से डबल बॉन्ड ऑन द नाइन्थ कार्बन ठीक है तो इसका मतलब नाइन्थ कार्बन पर डबल बॉन्ड है लेकिन कौन से एंड से ओमेगा एंड से प्लीज इस चीज को देख लो ये देखो एक दो तीन चार पांच सी डबल एच ठीक है अब ये अगर मैं बात करती हूँ ना टू कार्बन तो इसका मतलब है कि मैं सी डबल एच से बात कर रही हूँ तो मैं ये वाले कार्बन की बात कर रही हूँ अगर मैं बात करती हूँ ओमेगा टू की तो ओमेगा वाला एंड कौन सा है मिथाइल वाला एंड तो ये वन होगा और ये टू होगा ठीक है तो ये टू है आपका फिर ये ओमेगा टू है तो अब जो भी मैं बात करूँगी डबल बोंड की है जिस भी तो वो ओमेगा टू इसको कोरोस्पॉन्ड कर रहा होगा ना कि इसको ठीक है तो ये चीज़ देख लीजिएगा कि मिथाइल एंड से आप स्टार्ट करेंगे तो अमेगा और यहाँ से तो वन टू तो थ्री फोर जो आप सिंपल करते हो तो अमेगा नाइन ठीक है फ्रॉम ओमेगा कार्बन इन ओमेगा कार्बन कौन सा मिथाइल कार्बन इन एनिमल्स एडिशनल डबल बॉन्ड आर इंट्रोड्यूस्ड ओनली बिटवीन एन एक्जिस्टिंग डबल वन एट ओमेगा मेगा नाइन और सिक्स ठीक है ओमेगा मेगा नाइन और मेगा सिक्स और थ्री हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी इन्होंने बता दिया सी डबल ओ एच आई एफ वन कार्बन ठीक है उसके बाद आप इसको आगे देखते जाओ ये इन्होंने सेवन जो आप ये कह रहे हो नाइन कैसे आ गया ये सी एच टू सेवन ने, ने किया है सात और एक आठ ठीक है ये डॉप बार बार आपने लिखना था उन्होंने ब्रैकेट में लगा दिया सात कार्बन इसका मतलब ये है सात ये हो गए एक ये हो गया आठ और ये वाला नाइन कार्बन हो गया तो इस तरह से चलते जाओ आप अगर आपने ये वाला नहीं करना आपने इधर से काउंटिंग शुरू करनी है तो ये ओमेगा आपको लिखना पड़ेगा ये ओमेगा वन है ठीक है लास्ट वाला कार्बन ओमेगा टू मेगा थ्री एंड सो so ऑन फिर सेचुरेटिड फैटी एसिड्स कंटेन नो डबल बॉन्ड ठीक है ये हमने भी पढ़ लिया ये बात अभी हम यहाँ पे डिस्कस करके आए थे सैचुरेट फैटी एसिड नो डबल बॉन्ड अनसेचुरेट फैटी एसिड मोनॉन सेचुरेटेड वन डबल वन पोलियम डबल वन और मॉल मोनो तो मोनो का मतलब है एक अनसे मोनो इनोइ भी से बोलते हैं पोली अनसेचुरेटेड जो है इसमें पोली यानी ज्यादा यानी एक से ज्यादा डबल बोन होंगे इकोसानोइड ये yes, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका हम ना सारा बाद में पढ़ेंगे ठीक है बेसिकली ये इकोसनोइ एसिड का जो सारा पाथ हुए पोस्टाग्लैंड लिक्विटोराइंस वगैरह ये हम बाद में देखेंगे तो इसलिए इसको अभी आपने पैनिक नहीं करना इसका लहदा टॉपिक है तो हम उस उसी में इसको कवर कर लेंगे इकोसा मतलब ट्वेंटी कार्बन ठीक है इकोसनोइड ये पोलियन सेचुरेटेड फैटी एसिड है इसमें ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं और ये ट्वेंटी कार्बन मतलब इस फैमिली में आते हैं तो जिस कंपाउंड डिराइव फ्रॉम द इकोसनोई ट्वेंटी कार्बन पोली इनोइक पोली यानी ज़्यादा ई इनोइ मैंने बताया था जब डबल वही तो उसे बोलना आपने चलें अब इसको मत, अभी देखें ये जो है ना ये यहाँ तक इसको भी छोड़ दें ये नेक्स्ट कवर कर लेंगे नेक्स्ट टॉपिक में आए का हिस्सा है तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा अभी यहाँ पे कवर होगा भी नहीं यह पूरा एक टॉपिक डिटेल टॉपिक है ओके एस्टिक एसिड दो कार्बन होते हैं चार कार्बन होते हैं। ये है।, कोई नहीं है आप नाम देख सकते हैं एक। है, नहीं लिखा हुआ, है? इस तरह से करके नहीं लिखा हुआ, वो अनसेचुरेटेड होता है ये है दो कार्बन बिटायरिक चार बेलर पांच कैप्रोइ छोदा पालमेटिक सोलह और स्टेटिक अठारह जो आपने ओलिक एसिड देखा था पहले जिसमें अठारह कार्बन थे ये टे था इसमें नाइन और टेन के दरमियान डबल बॉन्ड था लेकिन ये स्टीरिक एसिड है ये सेचुरेटेड कार्बन है तो इन दोनों में डिफरेंस है ठीक ठीक है है और ये इनकी ये देख लीजिएगा एसिड मेजर मेजर एंड एंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन का के क्या है फॉर्मेंटेशन एसिड जो है ये बेसिकली बटर में होता है ठीक है नाम भी मिलता जुलता लग रहा है इन सर्टेन फायर ठीक है इन स्मॉल अमाउंट स्पेशली इन बटर ठीक है एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन बाय ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स लॉरिक जो है वो स्पर्म में से टाइम में होता है ठीक है ये आ, स्पर्म वेल ठीक है इन हेड ऑफ स्पॉम वेल है अब आप इसको गूगल करके भी देख सकते हैं ठीक है और सिनामोन में पाम कर्नल कोकोनट ऑयल लॉरल्स और बटर में ठीक है लॉरिक एसिड लॉरल्स में और बटर में ठीक है तो मेडिस्टिक एसिड जो है नटमेक पाम कर्नल ठीक है पॉलमेटिक एसिड कॉमन रोल चलें ये, अग्रेंस भी देख लीजिएगा ओके okay, ये हम कर ये मैंने आपको बताया ला नेक्स्ट टॉपिक हम टॉपिक में कवर करेंगे तो यहाँ नहीं करें अच्छा मोस्ट नेचुरली सिस डबल बॉन्ड ओके ये सिस और ट्रांस क्या होता है ये भी आप देख लें अभी हमने सेचुरेटेड अन देखा है तो ये भी देखें अगर देखो हमने सिस डबल बॉन्ड और ट्रांस डबल बॉन्ड का जो पढ़ा था ना पहले वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर करो अगर ये दो डबल बॉन्ड है ठीक है अगर डबल बॉन्ड की सेम साइड पे सेम ग्रुप आ जाए ठीक है तो इससे हम बोलते थे सिस अगर डबल बॉन्ड के एक साइड ऑपोजिट साइड पे जो सेम ग्रुप्स से हैं जो एक जैसे ग्रुप थे वो ऑपोजिट साइड पे आए तो इसे हम बोलते हैं ट्रांस ठीक है तो इसमें जो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है ना वो ये होता है कि जो सिस है ना इसमें सेम टाइप मोलिकुल्स एक जगह पर आ जाते हैं ठीक है तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है ना वो ज़्यादा होती है और ये स्टेबल नहीं होते ज़्यादा और जो ट्रांस है ना इसमें क्योंकि ये दूर दूर आ गए हैं सपोज़ ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है मैं वैसे बहुत तो अजीब सी मिसाल दे रही हूँ मुझे खुद भी पता लेकिन वैसे ज्यूम करने के लिए कि जो सेम चार्जर हैं उनमें रिपल्शन है तो इसी तरह से आप ये समझ लो कि सेम ग्रुप से एक दूसरे को रिपेल कर लें तो इधर जो है वो स्टेबिलिटी नहीं होगी एक दूसरे के अंदर ज़्यादा वो फील कर रहे होंगे और जब ये दूर चले जाएंगे तो ये कंफर्टेबल हो जाएंगे तो ये ट्रांस हो गया तो जब सिस आएगा ना तो ये स्टेबल नहीं होंगे तो इस वजह से क्या करेंगे ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे अपनी इस रिपल्शन की वजह से और किंग यूज़ करेंगे अब इधर आओ अब ये थोड़े से मैंने आपको बताया था ये यूँ यू कुछ भी नहीं है आपने बस इसमें काउंटिंग करनी है कि ये वन है फिर ये टू है जहाँ पे ये आए ना इस तरह से तो ये जिक जैक जो पैटर्न होता है ये नंबर ऑफ कार्बन बता रहा होता है अगर ये यूं यूं चलते जाए तो इसका मतलब आपने वन टू थ्री फोर करते जाना है और अगर ये दरमियान में डबल बॉन्ड शो करें तो उसको नोट कर लेना है तो इसका मतलब होगा ये है ओके तो अब आप देख लो लोन ट्री फोर फाइवी कार्बन वाला जो है और फिर ये भी देख लो तो वन टू थ्री फाइव इसको काउंट कर लो ये भी एटीन कार्बन है तो ये भी एटीन कार्बन वाला फैटी एसिड है ये भी एटीन कार्बन वाला फैटी एसिड है अब इसमें भी नाइन और टेन के दरमियान डबल बॉन्ड है और इधर भी तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसमें डिफरेंस ये है कि इधर डबल बोन के देखो एक साइड पर दोनों हाइड्रोजन है एक साइड पे दोनों आर ग्रुप हैं तो ये कौन सी फॉर्म हो गई सिस ये सिस फॉर्म हो गई इधर देख लो इधर डबल बोन के एक तरफ आर है मतलब ऑपोजिट साइड पे आर और एच है जैसे ये वाली जो है वो ये है तो ये ट्रांसफॉर्म है अब देखो ये स्टेबल है ओके फाइन डन आ गई समझ सिस क्या है? ये तो सेम साइड पे आ गया तो इधर तो रिपल्शन हो गई तो ये क्या करेगा ये सीधा नहीं रहेगा अगर ये यूं था ना तो ये सीधा नहीं आएगा बल्कि ये किंक प्रोड्यूस कर देगा जो आपने फोस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जो किंक आता है वो इस सैचुर इस अनसेचुरेटेड पार्टी से ठीक है तो ये आप ये देख लो इसमें किंक आ जाता है सिस फॉर्म की वजह से जबकि ट्रांस जो है उसको कोई मसला नहीं है वो पहले ही एक दूसरे से दूर हैं तो उनको इतना ज़रूरत नहीं पड़ती तो वन ट्वेंटी डिग्री का एंगल आता है तो ये जो पैराग्राफ है इसमें बेसिकली इसके अलावा और कोई बात नहीं लिखी हुई बस इसमें ये नाम देख लेंगे जो ओली हम पर आए हैं ओलिक एसिड इसमें जो वन ट्वेंटी डिग्री का मैंने हम बात कर चुके हैं ये ओलिक एसिड जो है ये सिस है और ट्रांस जो है इसमें एलाइडिक एसिड आ जाता है और ट्रांस जो फैटी एसिड्स है ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है कन्जम्पन और ट्रांस फैटी नाउ नॉन टू बी डेट्रीमेंटल टू हेल्थ और ये कब बनते हैं जब हम हाइड्रोजनेशन कर रहे होते हैं ठीक है अन फैटी एसिड्स की तो और ये बहुत ज़्यादा ये कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस कोस करते हैं इनको खाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती सेचूरेट फैटी एसिड्स भी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते फिजिकल एंड फिजियोलॉजिक प्रॉपर्टीज फर्टी थ्री रिफ्लेक्ट चेन लेंथ डिग्री ऑफ अनसेचुरी ठीक है मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है अगर हम चेन लेंथ इंक्रीज़ करें तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स की हम पहले बात कर चुके हैं कि बॉडीज में मोस्टली इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम होता है तो विद द चेन लेंथ और डिक्रीजिंग करें करेंगे चेन लेंथ को तो अनसेचोरे सेचुरेशन बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा अच्छा अब वो बात करेंगे अगर ट्वेल्व कार्बन आइटम है तो और सेचुरेटिड है यानी कि सेचूरेटेड है कोई डबल बोन्ड नहीं है बारह कार्बन है तो वो सॉलिड होगा और अगर पोली अनसेचुरेटेड है यानी कि बहुत ज्यादा डबल बोन्ड है फैटी एसिड में तो वो लिक्विड होगा ठीक है तो ये सिंपल सी बात है इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं थी जब अनसेचुरेशन आती है तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है ओके okay. ब्रेन फॉर एग्जांपल मैम ब्रेन लिपिड्स जो हैं हमने फ्लूड मोज़ेक मॉडल पढ़ा हुआ है ना फ्लूड मोज़ेक मॉडल के मैम ब्रेन जो है uh, जो हम वो फ्लूडिटी क्रिएट कर रही होती हैं वो स्टिक एक जगह पे खड़ी नहीं होती हैं एक्चुअली फ्लूड मोज़ेक मॉडल में हमने ये पढ़ा था तो मैम आप ये देखें कि मैम वहाँ पे फ्लूडिटी की ज़रूरत होती है कोलेस्ट्रॉल भी इसे रेगुलेट कर रहा होता है तो मस्ट बीट तुम तो इसलिए मैम ब्रेन को फ्लूड होना चाहिए फ्लूड वो क्यों होगी तो, कब होगी एट ऑल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर्स तो जब वो अनसेचुरेटिड होगी जब वो अनसेचूरेट होगी उसमें किंग आता है उसी वजह से और फिर वो फ्लू फ्लुडि, फ्लुडिटी रेगुलेट करी होती है इसके अलावा जो आ, मतलब के हाइबरनेट करते हैं जैसे फ्रॉग्स वग़ैरह तो उधर कूलिंग टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता है तो अगर उनके मैमब्रेन के लिपिड्स ही सेचूरेटेड वो सॉलिड हो गए तो फिर तो सारा काम ख़राब हो जाएगा ना तो एक सेल है अंदर न्यूक्लियस भरा हुआ है अगर मैम ही सॉलिड हो गई उसका तो बाहर से कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा मैम का तो फ्लूड होना चाहिए तो इसलिए उसको अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होना चाहिए और अगर वो हाइबरनेटर है यानी कि वो हाइबरनेट करता है तो फिर तो उसको ज़्यादा अनसेचुरेटेड होना चाहिए तो इसमें बस ये बात लिखी है चले आ... इस पैराग्राफ में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आ, क्या है हमारा नोमिनचर वगैरह तो मोनो इनोइक एसिड एक डबल बोन ठीक है पालमिटोलिकोला कार्बन एक एक डबल बॉन्ड इसमें आपने ये जो है ना हमारे पास है कि जितने नंबर ऑफ़ कार्बन है पहले वो लिखो जैसे सोलह कार्बन है ठीक है जैसे मिसाल के तौर पे ओलिक एसिड की आपने बात की थी हम ओलिक एसिड की बात करते हैं ये ज़्यादा अच्छा अठारह कार्बन है तो अठारह लिखा ओलिक एसिड फिर उसके बाद आपने लिखना है कितने कार्बन है कॉलन लगाना है आपने लिखना है कितने कार्बन है एक कार्बन है एक लिख दिया इसमें एक कार्बन होता है फिर उसके बाद आपने बताना है किस पोजीशन पे कार्बन है कॉलन लगा के वो पोजीशन लिख देनी है तो ये हो गया ओलिक एसिड अठारह एक नौ ठीक है फिर इलाडिक एसिड एलैडिक एसिड में भी यही था कि अठारह कार्बन है और कितने कार्बन है कितने डबल बॉन्ड है एक कहाँ पे है कार्बन नंबर नाइन पे चलें ये लैडिक एसिड हो गया और ये ओमेगा नाइन कैसे है ओमेगा नाइन मैंने आपको बताया था कि आपने लास्ट से स्टार्ट करना है चलें अभी हम देख लेते हैं एसिड का स्ट्रक्चर एक बार और तो ये ओलिक एसिड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम अब हमें ये देखना है कि ओमेगा नाइन कैसे है हमने यहाँ से स्टार्ट करना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो ओमेगा एंड से ये वाला कार्बन क्या ओह मैं वन टू यहाँ से आ गई सॉरी ये ओमेगा एंड सी एच थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो ओमेगा एंड से जो यहाँ पे जो इधर से टेंथ बन रहा है कार्बन वो इधर से नाइन बन रहा है थीके? आप काउंट करते हुए आओ तो ओमेगा एंड से कार्बन कौन सा बन रहा है ये वाला तो ओमेगा नाइन जब हम कहते हैं ना मेगा नाइन तो हमारे कहने का मतलब ये होता है कि ओमेगा एंड से हमने काउंटिंग की तो नाइन पे डबल बॉन्ड पड़ा हुआ था तो ये बात होती है तो ओमेगा थ्री जब हम कहेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वन टू थ्री तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा होगा जब हम ओमेगा की बात करेंगे इसका मतलब ओमेगा एंड से कार्बन पे डबल बॉन्ड पड़ा होगा तो इस तरह से आपने जितने भी फैटी एसिड हैं उनके फैमिली को मेगा थ्री और मेगा सेवन इस तरह से क्लासीफाई कर देना है और जो मैंने ये वाला बताया कि जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होंगे पहले वो लिखनी है जैसे आप ये बात कर लो कि के पाल, पालमेटोलिक एसिड था तो इसमें सोलह कार्बन थे पहले सोलह लिखे फिर कॉलन लगाने फिर जितने नंबर ऑफ कार्बन है वो लिखने यानी एक है दो है तीन है चार है पाँच है वो लिखना है फिर इसके बाद आपने सेमी कॉलन लगाना और जहाँ जहाँ उसकी पोजिशन है डबल मोन की वो लिख देना है ठीक है चले ओमेगा मेगा थ्री फैटी जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं ए एल ए ठीक है ई पी ए और डी एच ए मैंने आपको पहले बताया ये बताएंशियल फैटी एसिड्स डोकोसा है डी एच ए जो है ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है इनके हमारी बॉडी में और जो रोस्टाग लेनीट्राइन लिखे लिखा हुआ है यह लैदा एक टॉपिक है इसको यहाँ पर कवर करना भी मुश्किल होगा इसको लैदा कर लेंगे और जो ये मेगे थ्री फैटी एसिड हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे मतलब बेनिफिशियल होते हैं कार्डियोवेस्कुलर डिजीज से बचाते हैं कैंसर योम थ्राइटस और, और जयमा डिजीज से बचाएंगे चलें और हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फॉर्म है हमारी बॉडी में जब भी फैट स्टोर होगा ट्राईसाइल के फॉर्म में स्टोर होता है हमारी बॉडी में ठीक है चलें जी बेस्ट ऑफ लक अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अल्लाह हाफिज़ बेस्ट ऑफ लक और प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसे समझ आई <laughs> और अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा